मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 4th क्रॉस कंट्री। सो स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस चैप्टर में दो लड़के हैं। एक का नाम है विजय जो कि 14 ईयर्स ओल्ड है और उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है रवि, वो 12 ईयर्स ओल्ड है। स्टूडेंट, ये जो स्टोरी सुनाई है, ये जो चैप्टर है, ये विजय ने सुनाया है, अपनी एक जर्नी के बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो देखते हैं इनकी जर्नी कैसी थी। ये विजय और रवि जिस जगह पर रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, और जब आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, आपका जो स्टडी कंप्लीट होने के बाद जब आपको ब्रेक मिलता है, थोड़ी छुट्टियां मिलती हैं, तो उन छुट्टियों में इन दोनों ने प्लानिंग की है कि ये दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास घूमने जाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें शिमला से बस पकड़नी है और शिमला से फिर निकलते हुए इन्हें जुठौक के लिए पहुंचना है। जुठौक से फिर इन्हें शिमला के एक सबब प्लेस है, ये यहाँ पर पहुंचना है। ठीक है, तो ये निकल चुके हैं। जब शिमला से ये जब जा रहे हैं तो शिमला में ही एक स्टॉप पड़ता है जिसको शोगी नाम है उस स्टॉप का। उस स्टॉप पर जाकर जो ड्राइवर है वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहाँ पर टी लेता है, यानी कि चाय पीने के लिए अपनी बस को रोकता है। तो जो बस है वो ज़्यादा मतलब नई नहीं है, पुरानी सी है और छोटी सी है। तो जो रवि और विजय हैं, दोनों उस बस से निकलकर बाहर आते हैं। अब जो रवि है वो कहता है विजय से, अरे विजय, यहाँ का देखो मौसम कितना अच्छा है और बाहर जो सूरज है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ियों से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। अब जो विजय है वो कह रहा है कि ये जुठौक नहीं है, यानी कि जो प्लेस है ये जुठौक नहीं है, और जुठौक जो है वो नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है और ये जहाँ से सूरज निकल रहा है ये नॉर्थ साइड है, क्योंकि रवि उस जगह को जुठौक समझ रहा था। इसलिए विजय उसको कंपास निकाल कर और देख कर बताता है। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। रवि चिल्ला के बोलता है, अरे जुठौक यहाँ से थोड़ी ही दूर है, यानी कि हमारे जो दादाजी का घर है वो थोड़ी ही दूर है, तो हम यहाँ से क्यों ना पैदल पैदल चले जाएं, बस एक ही पहाड़ी बीच में है, तो फिर हम यहाँ से पैदल भी तो जा सकते हैं। अब दोनों ने डिसाइड कर लिया है कि दोनों के दोनों पैदल ही वहाँ से होकर जाएंगे। अब दोनों वहाँ से निकल चुके हैं, दोनों के पास अपने अपने बैग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैवरसेक जो है, हैवरसेक यहाँ पर बैग के लिए दिया हुआ है। उन दोनों की कमर पे दोनों के ऊपर बैग लटके हुए हैं। उन बैग्स में उनकी जो नानी हैं उन्होंने आलू के पराठा रखे हुए हैं दोनों को, और वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं। तो दोनों उसको लेकर वहाँ से चल देते हैं। उन्होंने देख रहे हैं कि दिन जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत फ्रेश है, और दोनों धीरे धीरे पहाड़ियों पर होकर चले जा रहे हैं। जब वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए हैं तो उन्हें पहले तो उन्हें लग रहा था कि बस एक ही पहाड़ी बीच में है और हम आराम से जल्दी से ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कई सारी पहाड़ियाँ उनको वहाँ दिखाई दी हैं। अब धीरे धीरे करके वो एक के बाद एक पहाड़ी चढ़ते जा रहे हैं। जब उन्होंने पहली पहाड़ी को भी क्रॉस कर लिया, दूसरी को भी कर लिया, तीसरी को भी कर लिया और फोर्थ को भी कर लिया है, लेकिन जब फिफ्थ आई है तब वो वहाँ पर आकर जब वहाँ से देख रहे हैं तो वहाँ से भी काफ़ी दूर है जो जुठौक है, वो काफ़ी दूर है। तो दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं फिफ्थ जो हिल आई है वहाँ पे आके, लेकिन वहाँ से भी उनको जुठौक जो है वो नज़दीक दिखाई नहीं दे रहा है। और जो दिन है वो बहुत गर्मी का होता जा रहा, क्योंकि वो सुबह से चले थे इसलिए दोपहर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। सन बहुत तेज़ी से चमक रहा है और उनकी कमर पे जो बैग लटके हुए हैं उनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है, उनकी कमर पे बहुत तेज़ धूप लग रही है। फिर दोनों लोग जो हैं वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उस अपने पास जो आलू के पराठे रखे हुए थे थोड़ा थोड़ा पराठा उसमें से खा लेते हैं और पानी थोड़ा सा ही पीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उन्हें पानी बचा के रखना है, और कुछ पानी के जो छींटे हैं अपने चेहरे पर भी ठंडे पानी के मार लेते हैं। उन्हें पता है कि पानी को ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें आगे भी काम में आने वाला है। तो
उसके बाद पहाड़ियाँ चारों तरफ से घिरी हुई हैं, धीरे धीरे करके वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी आबादी होती है, जहाँ पर हल्के हल्के घर बने हुए होते हैं, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी दिखाई नहीं देती है। जो एरिया था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रॉक हैं, बहुत टाइट जैसी, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई घास चढ़ने के लिए शीप वगैरह है। सो वेयर कुड बी होप टू फाइंड वाटर, तो वहाँ पर उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं मिल सकता। अब वो धीरे धीरे और भी पहाड़ियाँ हैं उनकी तरफ आते जा रहे हैं। दोपहर जो है वो थोड़ा मिड आफ्टरनून हो गया है, दोपहर हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। जुटोक नाउ सीम्ड द अब जो जुटोक था वो थोड़ा नज़दीक आने लग गया है, क्योंकि काफ़ी देर से वो चल रहे हैं, सुबह से दोपहर हो चुकी है। अब वो पहाड़ियाँ भी हैं काफ़ी सारी, उनको तय उनकी दूरी को तय करते हुए धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। अब जो वहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा रेतीली है और वहाँ पर पैरों से चलने में काफ़ी आराम से वो वहाँ पर चल पा रहे हैं। वी मोर मूविंग इन टू अ बेल्ट ऑफ ग्रेजी स्लोप्स एंड रोडनडेरस। ये एक प्लेस का नाम है, ये एक फ्लावर का पेड़ है, यानी कि एक फ्लावर लगते हैं, ये उस प्लांट का नाम है। तो इस तरह के फ्लावर जो हैं उस रास्ते में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहाड़ियों वाले रास्ते में दोनों तरफ खिले हुए हैं जहाँ से वो दोनों चले जा रहे हैं।